एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन रेट इज 8.5% एट द मोमेंट। एग्जाम्पल, रेट ऑफ इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स इज मोर देन 10%, इज 10%, इज 12%। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज द रियलिटी, तो इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। इट इज कॉल्ड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड नॉट बी मोर देन 6%। रेट ऑफ इन्फ्लेशन शुड बी लेस देन 6%। व्हाट शुड बी आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या है, आइडियल सिचुएशन क्या है? दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सिंपल, व्हाट इज, व्हाट शुड बी। सर आई गॉट 92% इन क्लास 10, सर आई गॉट 60% इन क्लास 10, आई गॉट 50% इन क्लास 10, व्हाट इज योर स्कोर? दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। सर आई शुड हैव गॉट मोर देन 80%, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। व्हाट शुड बी, व्हाट इज, तो ये हम स्टडी कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स अभी आप स्टडी कर रहे हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट। सर आई गॉट 80% इन 9th, तो ये फैक्ट है ना, या क्या होना चाहिए था, क्या है, क्या था, क्या होगा, दैट इज पॉजिटिव। क्या होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। आप क्या कर रहे हो, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट मे रिलेट टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सर्टेनिटी। आई एट छोले भटूरे इन द ब्रेकफास्ट, आई शुड हैव ईटन ओट्स इन द ब्रेकफास्ट। तो कौन सा इसमें से पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का वेरिएबल माना जाएगा, कौन सा नॉर्मेटिव? ओट्स नॉर्मेटिव, व्हाट यू शुड हैव डन एंड व्हाट यू एक्चुअली डिड, दैट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। आई विल ईट छोले भटूरे अगेन इन द इवनिंग, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव। आई विल डू दिस, दैट इज पॉजिटिव। आई शुड नॉट ईट छोले भटूरे अगेन इन द इवनिंग, दैट इज तो पॉजिटिव। तो ये डाउट आया आपको कि सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर देन इट इज नॉट पॉजिटिव। नो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में रिलेट टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बट व्हाट इज, व्हाट विल बी। जब आप सर्टेनिटी में बात करें, मैं ये करूंगा, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। मुझे ये करना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मैं आज सुबह जल्दी उठा, मैं कल सुबह भी जल्दी उठूंगा, मैं कल सुबह भी जल्दी उठूंगा, दैट इज पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? पॉजिटिव, वेरी गुड। मुझे जल्दी उठना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या करना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव। आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे, जो डिसाइडेड है, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। वो सही है या गलत, दैट इज नॉट द पॉइंट। दैट इज नॉट द, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। आपने बोला आई स्कोर्ड 80%, हो सकता है वो सच हो सकता है वो झूठ हो। आपने बोला आई स्कोर्ड 99%, हो सकता है वो सच हो सकता है वो झूठ हो, बट दोनों पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में तो जो सच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स जो आप बोल रहे हो कि ये है, ये होना चाहिए, दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद सच इकोनॉमिक सिचुएशंस व्हिच कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स। ध्यान से देखेंगे, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्जर परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन देन नाउ। जब इंडिया गेन्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज बिलो द पॉवर्टी लाइन, तो तब पॉवर्टी की प्रॉब्लम कहीं ज्यादा थी एज कंपेयर टू वॉट इट इज टूडे। Still, 20%, 22% of the population in India is absolutely poor, below the poverty line. 22% of the population is below the poverty line. Positive या normative? Positive. Around 60% of the population was below the poverty line
at the time of independence, positive or normative? Again, positive. Not more than 10% of the population should be below the poverty line, or 5%. Kuch bhi main bol raha hu ki not more than 5% of the population, no one should be below the poverty line. Ye sab kya hai? Positive ya normative? Kya hona chahiye? Ideal situation kya ho? So 22%, ab jaise dhyan se dekhna, on the eve of India, a larger percentage of the population was below the poverty line. Positive statement ya normative? Positive. Theek hai na? Thi. Hai. Ya hogi. Ye sab positive ho sakta hai. Kya karna chahiye? That is normative. So if population of India continues to grow at the existing rate, the percentage of population below the poverty line will exceed 22%. Will exceed 22%. कह रहा है अगर ऐसे ही चलता रहा, job opportunities create नहीं करी, government ने पैसे खर्च नहीं करे growth पे, education level नहीं enhance हुआ, health improve नहीं हुई, तो poverty rate will increase. Positive या normative? Positive. Without doubt. All these observations or statements are elements of positive economics. These observations highlight the state of poverty in the past, present, and the future. Thus, positive economics is the economics of what was, what is, and what would be. So, positive economics in sabko cover karta hai. On the other hand, ye normative, chalo abhi thoda si aur baatein kar lete hain positive ki, some characteristics of positive statements. Observations or statements related to positive economics show the following characteristics. These statements highlight the nature and extent of economic problems or analyze the economic behavior of the people related to past, present, or future. Kare explain karne hai ki problem hai kya actually. They are stating facts and figures. They may be untrue, but wo facts ki baat kar rahe hai. Population rate, population of India is growing at a rate of, example, 3% per annum, is growing at a rate of 3% per annum. Positive or normative? Positive. Maine koi proof thodi na diya. So, but can it be checked? Can a positive statement be verified? It can be verified. It can be verified. So positive economics mein jo aap data share kar rahe ho, that is positive economics. Positive ka matlab sach nahi hota. Kuch log hota na, positive matlab sachi baat. Aisa nahi hai. Positive matlab aap bol rahe ho कि ये है. आपने बोला कि रेट ऑफ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 3%. ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गई. चलो इसको वेरीफाई करते हैं. हमने डेटा से वेरीफाई करा. डेटा तो कह रहा है 4.5 है या 2.5 है, तो आपकी बात तो गलत है. रही की तो फिर भी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ही. ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन शुड नॉट बी मोर देन 1%. दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. थोड़ा थोड़ा फर्क समझ आ रहा है? पूरा आएगा. These statements are based on facts and figures. So, ye line aur misleading lagti hai. Sir, these statements are based on facts and figures. So, sachi to honge. Zaruri hai ki sare figures sach ho. Jo hame aa raha hai, figure to wahi hai na. Rate aaya ki matlab kal ka positivity rate aaya, let us assume 20%. Corona COVID ka positivity rate aaya 20%. Positive economics, normative economics. Data aaya na. Facts hai, figures hai. सच है कि झूठ है? क्या हमारे पास कोई एविडेंस है? नहीं. बट वेरीफाई किया जा सकता है कि आप हर एक स्टेट का डेटा निकलवा के फिर कंपाइल करके देखो. अच्छा, इंडिया का, हाँ यही आ रहा है, सही है. वरना होगा नहीं, नहीं है, गलत है. एक्चुअली तो 15 था. इन्होंने थोड़ा सा, काफी बार होता है ना स्टडी इन्फ्लेटेड होती है, गलत होती है, कुछ भी होती है, बट फिगर्स दे रहे हैं साथ में, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में आता. दी स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन फैक्ट फिगर्स रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. These statements are verifiable. अब इससे मतलब ही हो गया ना कि they are verifiable. मतलब आप चेक कर सकते हो कि ये सच है या झूठ है. इसका मतलब वो झूठ भी हो सकती है ना. बात समझ आई? मैंने बोला कि 80% of the students at DCC score above 90%. 80% of the students at DCC score above 90%. Positive statement or normative? Positive. But ये बात सच है या झूठ है? झूठ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट क्या ये वेरीफाई किया जा सकता है? आप रिकॉर्ड निकालेंगे पिछले
जब भी जितने सालों का आप देखेंगे कितने स्टूडेंट्स थे, क्योंकि हमारे यहाँ हर टाइप के बच्चे आते हैं, 40% वाले भी, 100% वाले भी, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ 80% ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर अबव 90%, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स शुड स्कोर अबव 90%, पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? अनिष्का, नॉर्मल. शुड, व्हाट शुड बी, व्हाट ऑट टू बी, दैट इज नॉर्मेटिव. क्या पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हमेशा सच होता है? नहीं, वो सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है. अमल, कैन इट बी वेरीफाइड? यस, इट कैन बी वेरीफाइड विद डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स. नॉर्मेटिव तो एक थॉट है, वो तो हुआ ही नहीं, तो वेरीफाई किससे होगा? उसके लिए तो मैं तो कह रहा हूं ना कि यार काश बारिश होनी चाहिए. अब इट कैन बी वेरीफाई, अभी थोड़ी ना वेरीफाई हो सकता है, फिर आगे जाके वो अचीव हुआ कि नहीं हुआ, तब तो वो स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगी. व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए, मतलब वो हुआ ही नहीं अभी तक, तो वेरिफिकेशन की तो बात ही नहीं आती, वेरिफिकेशन की तो बात ही नहीं आती, उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स तो हो ही नहीं सकते. आपने मुझसे पूछा क्या होती है आइडियल सिचुएशन, तो मैंने आपको बता दिया कि एम्प्लॉयमेंट की देयर शुड बी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी लेट अस अज्यूम मोर देन 20% है, इट शुड बी लेस देन 5%, दैट इज नॉर्मेटिव. नाउ हाउ इज इट पॉसिबल टू वेरीफाई? इज देयर अ क्वेश्चन ऑफ वेरीफाइंग इट? क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, क्योंकि मैं तो एक बात कर रहा हूं कि क्या होना चाहिए. क्लियर? तो दीज आर वेरीफाइबल, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइबल. वेरी सून वी विल गेट टू नो. दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन. ये कोई हम वैल्यू जजमेंट या ओपिनियन शेयर नहीं कर रहे, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर कर रहे हैं कि ये है सिचुएशन, अब बताओ करना क्या है. तो ये कोई वैल्यू जजमेंट होती है कि आपने एनालाइज करके बताया कि एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन क्या होनी चाहिए, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो नहीं बताता. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बताता है फैक्ट्स एंड फिगर्स कि अभी क्या है. ओके, कॉशन, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रुथ, बता दिया आपको, बट सर्टनली दी स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइएबल फॉर ट्रुथ. जरूरी नहीं है कि सच हो, बट वेरीफाई किया जा सकता है. Example, if one person says India's population is 100 crore, आपने बोला what is the population of India? आपने बोला what is the population of India? 133. ये भी positive statement है. ये भी आपने बोला population of India. आप exam में जो लिख के आते हैं वो एक positive. आप तो अपने हिसाब से सच ही लिख के आ रहे थे, पता नहीं क्यों नहीं marks मिले. तो population of India is 100 crores. Population of India is 110 crores. Population of India is 150 crores. ये सब positive statements हैं. But हम उनको फिर verify कर सकते हैं. पता चल जाएगा इनमें से कौन सी सच है, कौन सी झूठ है. Both are positive statements, even when the first is wrong and the second is right. The point to be emphasized is that positive statements are verifiable statements. One can verify these statements as true or false. So normative kya hota hai? Normative economics is the economics of what ought to be, what should be. It ideals with opinions of the economists related to economic issues or economic problems. Different economists may offer different opinions on the situation to an economic problem. ओपिनियन है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स तो आपका ओपिनियन है. बीजेपी गवर्नमेंट कुछ और ओपिनियन फॉर्म कर सकती है, कांग्रेस की कुछ और कर सकती है, किसी और गवर्नमेंट की कोई और कर सकती है. कोई इकोनॉमिस्ट कोई सजेशन देगा, कोई इकोनॉमिस्ट कोई सजेशन देगा, तो ये तो सबके अपने अपने हो सकते हैं ना. ये तो ओपिनियंस है, ये तो क्या है, ओपिनियंस है, आपके आइडियाज हैं. इनको बोलते हैं वैल्यू जजमेंट्स. ओपिनियंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स. आप एक जजमेंट पास कर रहे हो तो फोर साइटेडनेस, कुछ वैल्यू बेस्ड होगा. वैल्यू बेस्ड इन द सेंस कि समथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली. मनरेगा, मनरेगा मगनरेगा भी बोल सकते हैं इसको, मनरेगा नॉर्मली बोलते हैं. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट,
will one day bring an end to the problem of unemployment in the economy. Will bring an end. Normative. Can this be verified? No. At the moment, it cannot be verified. When we are making the statement, it is not verifiable. Tabhi to bol deta hai kuch bhi ki the economy, India's GDP will reach 5 trillion. Will reach 5 trillion by the end of 2025. Positive or normative? Will reach. Positive. Should exceed 5 trillion bola hota, to normative. बात समझ आई? विल रीच तो फ्यूचर की बात भी कर सकता है पॉजिटिव. ऐसा नहीं कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स फ्यूचर की बात नहीं करता, फ्यूचर की भी कर सकता है. बट द वे यू टॉक, इट विल बी दिस, तो पॉजिटिव. इट शुड बी दिस, इट शुड बी मोर देन दिस, इट शुड बी लेस देन दिस, तो नॉर्मेटिव. आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं, वैल्यू जजमेंट. ओके, मनरेगा एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है जिसमें मिनिमम डेज गारंटी किया जाता है कि भाई साहब आपको इतना काम मिलेगा. वो कह रहा है इट विल ब्रिंग. अच्छा, आपने ये विल पे पकड़ लिया, इस वर्ड की वजह से लग रहा है ना? यस और नो? इट विल वन डे ब्रिंग एन एंड टू द प्रॉब्लम. क्या कोई क्वांटिफाई करी मैंने बात? क्या कोई डेटा? गुड ऑब्जर्वेशन, बट क्या कोई डेटा की बात करी मैंने? तो मैं एक हवा में बात कर रहा हूं, ये बोल सकता हूं. एक दिन एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम ये चीज खत्म कर देगी. क्या मैं क्वांटिफाई कर रहा हूं? ये बात हवा में है कि नहीं है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब हवा में कुछ कह देना जिसका कोई डेटा नहीं है, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं है. मैं अगर ये बोलूं जीडीपी विल बी 5 trillion, तो मैं डेटा की बात कर रहा हूं ना, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ. ये देखो, अभी 2.5 है, अगले साल एस्टिमेटेड 3 है, फिर 3.5 है, ये 5 होगी. देखो 2025 5 trillion. ओके, पॉजिटिव. इट शुड एक्सीड. तो मैंने कोई सर्टेनिटी के साथ बोला? मैं तो बोल रहा हूँ होना चाहिए, ये है, ये होगा, ठीक है ना? बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन ये पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बिजली नहीं जाएगी, अब मैं कोई डेटा की बात कर रहा हूँ, क्वांटिफाई कर रहा हूँ इस चीज को. अगर क्वांटिफाई नहीं कर रहा तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज तो मतलब कोई फैक्ट्स एंड फैक्ट, कोई फिगर्स हैं इस बात में, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं नहीं, इस वजह से नॉर्मेटिव है. बट गुड ऑब्जर्वेशन. मनरेगा इज जस्ट अ प्रोग्राम ऑफ अ फाइनेंशियल एड to the unemployed people. Beneficiaries of Manrega will remain as unproductive workers. अब ध्यान से देखना, किसी का ओपिनियन क्या? एक का ओपिनियन क्या आया? एक दिन ये हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगी. मनरेगा क्या करती है? आपको मिनिमम गारंटी कि कम से कम इतनी दिन की जॉब तो मिलेगी, मिलेगी, नहीं मिलेगी तो हम आपको पैसे देंगे. तो कह रहे ऐसे तो सबकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. एक इकोनॉमिस्ट ने बोला हो जाएगी, प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी. क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? तो इसीलिए नॉर्मेटिव है. अब किसी ने बोला कि आप अगर ऐसे किसी को गारंटी दे देंगे काम की विदाउट चेकिंग देयर क्वालिफिकेशन, विदाउट चेकिंग देयर स्किल्स, तो अनप्रोडक्टिव लेबर बढ़ सकती है. कह रहे मनरेगा की वजह से अनप्रोडक्टिव लेबर फोर्स बढ़ जाएगी. बट क्या कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं? तो ये बात भी तो हवा में ही है. यस और नो? तो जब फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे तो पॉजिटिव होगा. बिना फैक्ट्स एंड फिगर्स के बात करेंगे, क्या हो सकता है, क्या होगा, फ्यूचर की बात है, बट फैक्ट्स एंड फिगर्स इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए नॉर्मेटिव. कोई इकोनॉमिस्ट कहते हैं मनरेगा और मनरेगा यूजेस टैक्स पेयर्स मनी. अब गवर्नमेंट जो भी खर्चा करेगी, पैसा तो टैक्स पेयर्स का यूज होता है, एंड शुड देयरफॉर बी स्टॉप्ड. कोई तो कहता है बंद कर दो यार इसे, ठीक है ना? क्योंकि पैसा वेस्ट हो रहा है. जो अपना स्किलफुल होगा उसको तो जॉब मिल ही जाएगी. तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है कि उनको, जिनको जॉब्स नहीं है उनको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे रही है या जॉब्स दे रही है? हम टैक्स पे कर रहे हैं तो कुछ टैक्स पेयर्स कह रहे हैं कि हमारा पैसा ऐसे वेस्ट मत करो, कि उनको मेहनत करने दो, तुम तो उनको फ्री में पैसे दे रहे हो. ये कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं इसके साथ अटैच्ड? इट इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए इनको पैसा, देना चाहिए इनको पैसा, बंद कर दो, ये सब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स.
Manrega should not be pursued unless it ensures asset creation in the economy. क्या जब तक कोई एसेट बिल्डिंग यहाँ आप उनसे काम जिनसे काम करवा रहे हो उनसे कुछ कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो कोई प्रोडक्टिव काम हो रहा है कोई एसेट क्रिएशन हो रही है तब तो फायदा है. अगर कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रही तो स्कीम को स्क्रैप कर दो. क्या इनमें कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स थे? ये सब सबके अपने अपने ओपिनियंस थे. ये सबके अपने अपने ओपिनियंस थे. 12th बोर्ड्स होने ही नहीं चाहिए, ये ओपिनियन है, ठीक है ना. 12th बोर्ड होंगे ये भी तो बात है ना, हमें पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे. 12th के बोर्ड 12th जुलाई को है, बात समझ आई? नाउ दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. होंगे नहीं होंगे उस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपने बोला 12th के बोर्ड 12th जुलाई को है, बात समझ आई? ऐसी स्टेटमेंट देना दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट. बोर्ड होंगे जुलाई में, तो ये कोई होंगे क्या होता है? कोई आपके पास फैक्ट है, कोई फिगर है, कोई डेट है? नहीं. बात समझ आई? आपका ओपिनियन, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट. अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं तो वो पॉजिटिव बन सकती है सेम चीज. अगर आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उस चीज को सब्सटेंशिएट करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी. तो इंपॉर्टेंट है 2 to 3 मार्क्स में डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव. वट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? अगेन द समरी ऑफ वट वी हैव ऑलरेडी डन. दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. आपकी जजमेंट है, आपका ओपिनियन है. These statements lead to controversies and debates. क्योंकि बातें हवा में हो रही हैं, तो debates होते हैं. Again, it is being recorded, तो मैं भी controversial statements बोल नहीं सकता. But अगर किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया, without any facts and figures, ठीक है ना? Without any facts, सच झूठ तो भूल ही जाओ. Without any facts and figures, just a statement कि ये लड़का सही नहीं है. बात समझा? ये लड़का ही सही नहीं है, कट आउट, फुल स्टॉप. पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? ये तो आपका ओपिनियन है ना, ये तो आपकी जजमेंट है. कह रहा भाई साहब कोई मतलब या तो बताए ये लड़का रोज 8 घंटे सोता है, इसमें बुरा क्या है? मैं 10 सोता हूँ. ये लड़का रोज 12 घंटे सोता है अभी, ठीक है? ये पॉजिटिव है नॉर्मेटिव? पॉजिटिव. बात समझ आई? क्या आप टाइम फ्रेम की बात कर रहे हो? सोता है वो चाहे 6 या 20, उससे आप उस चीज को क्वांटिफाई कर रहे हो. तो फैक्ट यूज कर लिए, फिगर यूज कर लिए. सर फैक्ट तो सच नहीं होते, फिगर यूज कर लिए, वेरिफाइबल है, पूछो उसकी मम्मी से, बता देंगी. दीज स्टेटमेंट्स इंडिकेट ओपिनियंस. वैल्यू नॉर्मेटिव की बात हो रही है, ओपिनियन बेस्ड. कॉन्ट्रोवर्सीज तभी तो होती है क्योंकि बातें हवा में है, शुरू हो जाएंगी कहानियां. They are not verifiable. तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी है, they cannot be verified. These statements reflect what should be, what ought to be as a solution to the economic problems. तो हम study क्या कर रहे हैं? Economic problems को solve कैसे किया जाए? तो कुछ positive statements, कुछ normative statements. What ought to be is just an opinion of an individual, just a value judgment. आपके हिसाब से क्या सही था? आपने बोला. वो जरूरी नहीं है कि सही हो या गलत हो. दैट इज दैट इज जस्ट योर ओपिनियन. इट नीड नॉट नेसेसरली प्रूव टू बी द बेस्ट सॉल्यूशन टू एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम. जरूरी नहीं है कि वही बेस्ट सॉल्यूशन था. आपने अपने हिसाब से बोला. आपने मैंने कहा यार पानी जम जाता है यहाँ पे, पानी इकट्ठा हो जाता है, तो आपने बोला हमें वाटर हार्वेस्टिंग करनी चाहिए. पॉजिटिव या नॉर्मेटिव? नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना. Example, after independence, to the economist decided to give public sector a priority over the private sector. Public sector होता है जहां government owned होते हैं factors of production, आ जाएगा भी types of economy में. और private sector होता है जहां privately owned होते हैं factors of production. तो when India gained independence, Indian economic development में बहुत detail में कहानियां पढ़ेंगे, but हुआ क्या था? क्योंकि majority of the people were below the poverty line, ज्यादा लोगों के पास पैसे नहीं थे, शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से लोग अपना बिजनेस ज्यादा सेटअप, इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो सकती थी. तो इनिशियली मेजर रोल वाज गिवन टू द पब्लिक सेक्टर. गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस ज्यादा थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ज्यादा थी इनिशियली. आफ्टर इंडिपेंडेंस द इकोनॉमीज डिसाइडेड टू गिव पब्लिक सेक्टर अ प्रायोरिटी ओवर द प्राइवेट सेक्टर इन कंटेक्स्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इवेंचुअली दिस पॉलिसी हैड टू बी अबैंडन्ड.
a public sector, government sector, they are operating for welfare of the people. They are not operating for profit motive. तो आप अगर profit motive के लिए operate नहीं कर रहे तो कोई competition तो नहीं है, क्योंकि आप losses में भी हो गए तो क्या कोई question कर सकता है? कह रहे हम तो लोगों के welfare के लिए, तो नुकसान हो गया तो क्या हो गया, हम तो profit के लिए बैठे ही नहीं थे, तो आप हमें judge नहीं कर सकते कि profit नहीं हुआ तो आपने ठीक से काम नहीं किया, बट उसकी वजह से लॉसेस बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। इसी की वजह से 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च हुई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब क्या क्या करना चाहिए था, क्या क्या करना चाहिए था, अगेन दैट इज जस्ट एन ओपिनियन, दैट इज नॉर्मेटिव। क्या करना चाहिए था, अब क्या करना चाहिए, दिस इज अगेन नॉर्मेटिव। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज evolved in 1991 and it was decided to place greater reliance on the private sector rather than public sector. फिर उन्होंने realize करा ना कि गलती हो गई, अब कुछ हम और decisions लेंगे। आपको बस अभी क्या पता होना चाहिए, meaning of positive economics, meaning of normative economics, what is the difference between positive economics and normative economics? तो close करेंगे इस चीज को। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, इट डील्स विद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक इश्यूज और इकोनॉमिक बिहेवियर रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो काफी वो लगता है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव नहीं, इट मे रिलेट टू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, बट इकोनॉमिक इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज दिस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वॉज दिस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट विल बी दिस इन द नेक्स्ट ईयर, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव, इट डील्स विद ओपिनियंस ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इश्यूज और economic problems, opinions, these related to the facts and figures of economic problems. Positive economics relate to what was, what is, what would be, or normative kehta hai what ought to be, what ought to be ka matlab hota hai what should be. Statement of positive economics are not necessarily the statement of truth, they may be true or false. और नॉर्मेटिव तो वैसी कहानी है, दे कैन नॉट बी टर्म्ड एज ट्रू और फॉल्स, कह रहा क्योंकि आपके पास कोई डेटा ही नहीं है वेरीफाई करने के लिए, तो इसमें सच और झूठ की तो बात ही नहीं होती। समझ आ रही है बात, इस साल अच्छी बारिश होनी चाहिए, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट है ना, मेरे पास कोई फैक्ट एंड फिगर तो ये सच और झूठ की तो बात ही नहीं होती नॉर्मेटिव में, तो इसलिए मैंने कहा था ना कि वो तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता कि ये वेरीफाई किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो आपका ओपिनियन है। तो द क्वेश्चन ऑफ ट्रुथ और फॉल्स cannot be termed as true or false. हो सकता है सच हो सकता है झूठ, देखा जाएगा जो होगा। These statements involve opinions only. Example, somebody says population of India is more than the population of China. क्योंकि गलत है, but आप बोलो ना population of India is more than China, तो एक positive statement होगी। But in reality, population of China is more than India. कह रहे हाँ तो क्या हो गया, गलत है फिर, but है तो positive statement. Population of India should be less than 150 crores in the next 10 years. So should be less than 150 crores in the next year. Normative statement. Bas, bahut hua positive normative. It is definitely a positive statement, but it is wrong because it is verifiable. Somebody says old age pensions should be old age pension hota hai. कि जिसकी भी एज, कुछ कंट्रीज में होता है जिसकी भी एज 60 के ऊपर है गवर्नमेंट आपको पेंशन देगी। आपने कभी जिंदगी में काम किया हो या नहीं किया उससे कोई, एक होता है रिटायरमेंट पेंशन, एक होती है रिटायरमेंट पेंशन, वो तो इस वजह से मिल रही है कि आपने कहीं जॉब करते थे, आपकी सैलरी में से पैसे कटते थे, वही पैसे आपको अक्यूमुलेट होकर आप मिल रहे हैं, दैट इज रिटायरमेंट पेंशन, उसकी बात नहीं हो रही। ओल्ड एज पेंशन होती है जो गवर्नमेंट देती है बस ओल्ड एज होने की वजह से, कभी आपने जिंदगी में आपके प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है। जो रिटायरमेंट पेंशन है उसका आपके प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट से लेना देना होता है, वो आपकी ही सैलरी में से कट के जनरेट हो रहे थे, आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट है, आपको ही पैसा मिल रहा है, तो कोई एहसान नहीं कर रहा आपके ऊपर कोई। ओल्ड एज पेंशन आपको बिना बात के पैसे मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज यू आर ओल्ड आप अब काम नहीं कर पाओगे तो आपको पैसे मिल रहे हैं। ओल्ड एज पेंशन का मीनिंग क्लियर है? कुछ लोग कहते हैं वो नहीं मिलनी चाहिए, इट शुड बी स्टॉप, क्योंकि अगेन ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट कहां से दे रही है, गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स का ही पैसा यूज करती है। सम इकोनॉमिस्ट आर ऑफ द ओपिनियन इंडिया में नहीं मिलती ओल्ड एज पेंशन, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में ही मिलते हैं ऐसे पैसे। तो कह रहे दिस शुड बी स्टॉप्ड,
should be stopped, positive या normative? Facts and figures are verifiable for truth. Normative statements are not verifiable at all. Positive economics does not involve value judgment. Normative economics, it involves value judgment. Okay, beta? So, abhi humne kya kara? Sirf aur sirf difference between micro and macro or difference between positive economics and normative economics. Dono hi important aur achhe question hai. Pata hone chahiye.